हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड, हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, अगर आपके पास किसी प्रकार का बिजनेस नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, या फिर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप यूको बैंक का बीसी सेंटर लेके आप अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं या फिर एक नया रोजगार शुरू कर सकते हैं। यूको बैंक के बीसी के अंदर आपको नए अकाउंट खोलने के साथ साथ में आपको पेमेंट का ट्रांसफर भी करना है, पेमेंट को डिपॉजिट भी करना और विड्रॉल भी करना रहेगा। आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल देने वाला हूं कि किस तरह से आपको यूको बैंक के बीसी के लिए अप्लाई करना है, किस तरह से आपको यूको बैंक का जो बीसी है वो आपको मिलेगा और उसके ऊपर आप कैसे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूको बैंक की बीसी पॉइंट लेने के लिए अपने को सिंपली यूको बैंक के ऑफिशियल पोर्टल पर आना रहेगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से भी आप रिडायरेक्ट इस पोर्टल पर आ सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। अब अपन बात करते हैं कि यूको बैंक की जो बीसी पॉइंट है उसके लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्या इसका स्टेटमेंट है और आपको किस तरह से आपके एरिया में बीसी पॉइंट लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके एरिया के अंदर, आपके गांव या शहर के अंदर बीसी पॉइंट नहीं है यूको बैंक का, तो ही आपको वहाँ पे बीसी पॉइंट मिल सकती है। और यहाँ पे एक गांव के अंदर कम से कम 2 बीसी पॉइंट आप ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है कि आपके गांव के अंदर बीसी पॉइंट है या नहीं है। तो इसके लिए आपको सिंपली यूको साथी सीएसपी डेवलपमेंट का एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाया गया है। इसको सिंपली, इसके आगे प्लस का आइकन है, तो इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे एक ऑप्शन ओपन हो जाता है, बीसी एम्प्लॉयड डिप्लॉयड बाई द बैंक। आपको सिंपली इसको सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाता है, जिसके अंदर ऑल इंडिया के अंदर जितने भी बीसी पॉइंट्स हैं उन सब की यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे जैसे ही ये ओपन होता है तो यहाँ पे आपको आपके लोकल एरिया है उसके बीसी पॉइंट की डिटेल सर्च करनी है। अगर आपके एरिया के अंदर बीसी पॉइंट नहीं है तो आप सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करके, अगर आपके एरिया में नहीं है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आपको बहुत ही आसानी से अपने एरिया में बीसी पॉइंट मिल जाता है। परंतु यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है ये कम से कम 50 पेज के आसपास है। इसके अंदर आपको पर एज पेज पे जाके सर्च करना बहुत ही डिफ़िकल्ट रहेगा। तो सिंपली आपको F12 प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। यहाँ पर अपने सामने सर्च आइकन आ जाता है, जिस पे अपने को अपने गांव का नाम एंटर करना है या अपने एरिया का नाम एंटर करना है। उसके बाद सिंपली सर्च करना है। अगर अपने गाँव का एरिया का नाम यहाँ पर आ जाता है तो इसका मतलब है अपने एरिया के अंदर उसका बीसी पॉइंट अवेलेबल है, दिया हुआ है। तो यहाँ से आप उसको सर्च कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे नहीं होता है तो आप इसकी इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप सर्च करते हैं डिटेल, इसके अंदर आपके स्टेट का नाम आता है, उसके बाद में आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाता है, उसी के साथ में आपका जो तहसील है उसका नाम आता है, आपके गाँव का नाम या शहर का नाम यहाँ पर आ जाता है, और उसके अंदर आपको कौन सी लोकेशन पर वो बीसी पॉइंट है उसकी डिटेल भी आती है, और कौन बीसी पॉइंट ऑपरेटर है उसकी डिटेल भी आपके सामने यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी डिटेल चेक कर लेंगे। अगर आपके एरिया के अंदर बीसी पॉइंट नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में एक बीसी पॉइंट है तो भी आप इसके लिए इजीली आवेदन कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जैसे इसकी डिटेल सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद सिंपली अपने को यहाँ पर देखना है कि जो यूको बैंक है जो बीसी पॉइंट अपने को दे रहा है उसके लिए आपको टर्म एंड कंडीशंस क्या रखी है। तो सिंपली इसके लिए नीचे एंगेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल बीसी एजेंट्स इन द एसएस अलॉटेड टू यूको बैंक्स का नीचे एक ऑप्शन दिया गया है, इसके सामने प्लस पॉइंट दिया गया है। तो सिंपली आप जैसे इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी आ जाती है, इनका क्राइटेरिया क्या है वो डिटेल आ जाती है। तो सबसे पहले आपको सिंपली इसको रीड कर लेना है। तो अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए, तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई पोस्ट ऑफिसर है या रिटायर्ड कोई बैंक एम्प्लॉई है या फिर कोई एक्स सर्विसमैन है या रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और जिसको कंप्यूटर का नॉलेज है वो यहाँ पे बीसी पॉइंट ले सकता है, उसको प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाएगी। इसी के साथ में अगर रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर है वो जिसको कंप्यूटर का यहाँ पे नॉलेज है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है, उसको भी यहाँ पे प्रायोरिटी पर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई मेडिकल शॉप है या कोई फायर प्राइज की शॉप है या पीसीओ ऑपरेटर है और आपको कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पे है तो आप उसके लिए भी आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऑपरेटर है, एजेंट है या पेट्रोल पंप ओनर है तो भी आप इसके लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ है, अगर आपके पास सीएससी सेंटर संचालक है, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक है, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाएगी।
तो ये इनका यहाँ पे क्राइटेरिया आपने को दिया गया, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपके पास छोटी मोटी कोई शॉप है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इनका जो क्राइटेरिया है वो क्या है, तो क्राइटेरिया की रीडिंग भी आपको यहाँ से कर लेनी है। और मोटे मोटा क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास एक परमानेंट रेजिडेंट एरिया होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही आपको ये बीसी पॉइंट आपको दिया जाता है। और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना भी कंपलसरी है। और यहाँ पे आपकी जो एज है वो कम से कम 65 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपको कम से कम 10th स्टैंडर्ड पास आपका होना कंपलसरी है। इसके साथ में अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, उसका निरस्त यहाँ पे कर दिया जाता है। इसी के साथ में जो यूको बैंक के डायरेक्टर है या यूको बैंक का कोई भी एम्प्लॉई है, चाहे क्लर्क हो चाहे पियोन हो, उसका कोई भी रिलेटिव इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, उसको यहाँ पे बीसी पॉइंट नहीं दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो यहाँ से आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इसका जो आवेदन है वो किस तरह से यहाँ पे किया जाएगा। तो यूको बैंक के बीसी पॉइंट का आवेदन वैसे तो कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, इसके लिए आपको सिंपली ऑफलाइन ही आवेदन करना रहेगा। तो ये सारी डिटेल क्लियर करने के बाद अगर आप इसका आवेदन करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इसके आवेदन करने के नीचे यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू द एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन पे सिंपली अपने को आ जाना है, इसको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो यूको बैंक का बीसी पॉइंट का जो फॉर्म है वो अपने सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ से इसको अपने को प्रिंट निकालना रहेगा। प्रिंट निकालने के बाद इसको सिंपली अपने को फिलअप करना है। तो यहाँ पर ये फॉर्म अपने को किस तरह से भरना है, क्या क्या डिटेल इसमें देनी है, तो सबसे पहले फॉर्म के ऊपर में अपने को जो भी ब्रांच है नियरेस्ट जहाँ से आप बीसी पॉइंट लेना चाहते हैं उसकी डिटेल एंटर करनी है। उसके बाद में आपके सामने सेकेंड ऑप्शन दिया गया है कि आप कौन से गांव के अंदर या सिटी में बीसी सेंटर लेना चाहते हैं, उसका नाम यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको मिस्टर मिसेज जो भी आपके नेम के अकॉर्डिंग है उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको डेट एंटर करनी है जिस भी डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद में नीचे आपको अपना फुल नेम इंग्लिश के अंदर लिखना है कैपिटल अक्षर के अंदर, वो भी आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में आपके फादर का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इसी के साथ में आपको आगे मैरिड अनमैरिड का जो भी आपका मेटेरियल स्टेटस है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके साथ में आपको नीचे जेंडर सिलेक्ट करना रहेगा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी आपका जेंडर है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। डिटेल एंटर करने के बाद नीचे आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, उसको यहाँ पे आपको एंटर करना रहेगा। उसके आगे आपको एक फ़ोटो का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो अटैच करनी है जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। लेटेस्ट फोटो आप यहाँ पे अटैच करेंगे। उसके बाद में आपको अपने सिटी डिस्ट्रिक्ट स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, पिन कोड एंटर करना है, आपका नज़दीकी कुछ भी लैंडमार्क है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में आपसे कस्टमर आईडी का ऑप्शन पूछा जाता है, अकाउंट नंबर पूछा जाता है। यहाँ पे आपको अपना यूको बैंक का ही अकाउंट नंबर एंटर करना है, उसकी कस्टमर आईडी यहाँ पे आपको एंटर करनी है। अगर आपका यूको बैंक के अंदर अकाउंट नहीं है तो पहले आप यूको बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवा लीजिए, उसके बाद में आपको यहाँ पे उसकी कस्टमर आईडी एंटर करनी है, अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद में अपने को नीचे ब्रांच का नाम एंटर करना है, जिस भी ब्रांच में आपका खाता है उसकी ब्रांच का यहाँ पे ब्रांच कोड एंटर करना है। इसके साथ में आपको यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर एंटर करने हैं, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करनी रहेगी। डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपके साइन कर दिए जाएंगे। साइन करने के बाद आपसे दो जानकार रेफरेंस रेफरल पर्सन के यहाँ पे डिटेल देनी है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पे अपने जो भी नज़दीकी जानकार पर्सन है उनके जिनका भी यूको बैंक के अंदर अकाउंट है, जिनको आप 1 साल से ज़्यादा टाइम से जानते हैं, उनकी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है, उनका एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना है, उनके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ पे आपके यूको बैंक के अंदर उस पर्सन का अकाउंट नंबर एंटर करना है। उसके बाद में आपको उस पर्सन से आपका नाम यहाँ पे एंटर करवाना है और कितने साल से वो आपको यहाँ पे जानता है उसको यहाँ पे मेंशन करवाना है। और उसके बाद में आपको इंट्रोड्यूसर के यहाँ पे साइन करवाने नीचे, और साइन करवाते टाइम आपके उसके डेट और टाइम पैलेस को भी आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ से एंटर कर देंगे। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। तो नीचे आने के बाद में आपसे कुछ एक आईडी प्रूफ के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे आईडी प्रूफ आपको देने हैं जिसके अंदर वोटर आईडी कार्ड भी आप दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। कोई भी एक वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, जो भी आपके पास आईडी अवेलेबल है उसमें से आपको यहाँ पे एक आईडी पे टिक करना है, उसका आपको अटैच करना रहेगा।
उसके बाद में आपका जो एड्रेस प्रूफ है, एड्रेस के अंदर आपको टेलीफोन बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको सिंपली आपको सेलेक्ट करना है, उसको यहाँ पे अटैच करना रहेगा। ये सारी डिटेल आपको फिल करने के बाद नीचे का कॉलम है आपका ब्रांच हेड का रहेगा, ब्रांच मैनेजर का रहेगा, वो ऑटोमेटिकली खुद से फिल करेगा। उसके बाद में आपको सिंपली सेकेंड पेज पे जाना रहेगा। जो फॉर्म अभी आपने डाउनलोड किया था उसके बैक साइड के अंदर आपको यहाँ पे ये डिटेल लिखी हुई है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि जब भी आप ये पूरा फॉर्म भर लेते हैं, पूरा फिलअप कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ एक डॉक्यूमेंट अटैच करने रहेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको अटैच करनी है। एक फ़ोटो तो आपको चिपकानी है, उसके अलावा से दो फ़ोटो आपको साथ में अटैच करके यहाँ पे देनी रहेगी। उसके अलावा आपने जो एड्रेस प्रूफ दिया था उसको, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है या टेलीफोन बिल है, उसकी कॉपी आपको यहाँ पे अटैच करनी रहेगी। उसी के साथ में आपका आईडी प्रूफ की भी एक कॉपी आपको अटैच करनी है, जो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया था। और उसके बाद में जो भी आपके रेफरेंस पर्सन थे, जिसका भी आपने इंट्रोडक्शन करवाया था, जिसके भी आपने साइन कराया, उन दोनों का एक लेटर आपको बनाना रहेगा, वो भी आपको यहाँ पे साथ में अटैच करनी रहेगी। तो ये सारी डिटेल जैसे ही आप फिल कर लेते हैं फॉर्म, यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपके पास नियरेस्ट जिस भी ब्रांच है, जो भी ब्रांच में आपका खाता है आपके गांव या सिटी के अंदर यूको बैंक की, जो भी ब्रांच है आपको उसके ब्रांच मैनेजर से मिलना है। ब्रांच मैनेजर से मिलने के बाद आपको उसको सारी डिटेल बतानी है कि मेरे गांव के अंदर या मेरे नज़दीकी एरिया के अंदर यूको बैंक का बीसी पॉइंट नहीं है, मैं वहाँ पर यूको बैंक के बीसी पॉइंट को खोलने के लिए आवेदन करना चाहता हूँ, मेरी डिटेल मैं लेके आया हूँ। आप उसको ये फॉर्म वहाँ से दे देंगे, उसके बाद में वहाँ के जो अपनी फॉर्मेलिटीज़ है वो यूको बैंक के मैनेजर आपके सामने साथ शेयर करेगा। उसके बाद आपका जो भी कमीशन रहेगा उसकी डिटेल भी वो वहाँ से बता देता है। और उसी के साथ में आपको यूको बैंक के कुछ कर्मचारी, आप जिस भी एरिया में खोलना चाहते हैं वहाँ पर आके विजिट करते हैं, विजिट के दौरान वो उसका सर्वे रहता है। सर्वे के अंदर अगर आपको उनको परफेक्ट लगती है, आपके लोकेशन, आपका जो सारी डिटेल्स है वो सही लगती है, तो उसके बाद फाइनली आपको यूको बैंक का बीसी दे दिया जाता है। ईसीएसपी सेंटर आपको वहाँ पे ओपन करने के लिए दे दिया जाता है। तो इस तरह से आप वहाँ से यूको बैंक का बीसी पॉइंट ले सकते हैं और अपना अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यूको बैंक के बीसी से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। इसी हिसाब में आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।